पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए थे सऊदी अरब। सोचा था खूब इज्जत मिलेगी, वाहवाही लूटेंगे, रेड कारपेट बिछेगी, लेकिन इतनी बुरी बेइज्जती हुई कि पूरी दुनिया में आज उनकी थू थू हो रही है। जब मस्जिद में घुसते ही भिखारी भिखारी और चोर चोर के नारे लगे। दरअसल पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पहली 3 दिवसीय विदेशी यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन यहां उनका स्वागत बड़े अजीबोगरीब तरीके से हुआ। जैसे ही शहबाज शरीफ मदीना की मस्जिद ए नवाबी पहुंचे, लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में सैकड़ों श्रद्धालु पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के मस्जिद में प्रवेश करते ही चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों को मदीना की पवित्रता का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के अखबार के अनुसार औरंगजेब ने इस प्रदर्शन के लिए इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। ट्विटर पर पाकिस्तान के यूजर्स ने वीडियो को शेयर करते हुए शहबाज शरीफ पर जमकर निशाना साधा है। वैसे कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले इमरान खान भी जहां गए हैं वहां उनकी बेइज्जती हुई है। उनके दूसरे प्रधानमंत्रियों के भी एयरपोर्ट पर कपड़े उतरते रहे हैं। यानी पाकिस्तान का तो कल्चर ही रही है कि प्रधानमंत्री बदल जाएगा लेकिन रीत नहीं। दुनिया उन्हें उसी नजर से देखती है, लोग इसी तरीके से उनकी बेइज्जती करते हैं और पाकिस्तान में फिर से एक बार वही हुआ। अब सवाल भी यही है, चोर को चोर ना कहा जाए तो भला क्या कहा जाएगा। भीख मांगने गए थे सऊदी अरब, लेकिन चोर चोर के नारों से माथा ठनक गया। बेचारे शहबाज शरीफ, आज पूरा पाकिस्तान सहित पूरा देश उनकी इस वीडियो को देख रहा है और मजे ले रहा है। आप भी इस वीडियो को देखिए और मजे लीजिए, साथ इस मजे को और लोगों तक शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।